अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब, मैं आपका दोस्त शेरी जी सहर अकीक टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप पहले हमारे एपिसोड देख चुके हैं कि हम जिन्नात से बातचीत करते हैं, मौजूदा हालात से पहले जो हालात थे उससे आगाह करते हैं। इसके अलावा हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ साहब, जो कि किसी तरीके के मुताज नहीं है, अल्लाह ताला ने उनको बेपनाह इलम से और नूरानी ताकत से नवाजा है। अगर किसी भाई को या बहन को किसी प्रॉब्लम को भी किसी भी बंदे को जिन्नात का साया हो, वो हमारे दिए गए नंबर पर राबता कर सकते हैं और इंशाल्लाह बफजल खुदा उनको आराम आएगा। ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, उसके कलाम की वजह से है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, क्योंकि अल्लाह की जो कलाम है उसमें बहुत ताकत है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम ये ज़िला कसूर के एरिए खुड़िया के करीब हैं, जहाँ पे आपको रेलवे ट्रैक भी नज़र आ रहा होगा। इस वक्त रात की तारीखी में हम यहाँ पे मौजूद हैं और आपको पता है कि ट्रैक पे कई हादसात भी होते हैं, कुछ लोग खुदकुशियाँ भी करते हैं, तो उनकी रूहें भी इधर उधर भटक रही होती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई यहाँ पे ऐसी रूह होगी तो उससे भी बात करेंगे और जिन्नात से भी बात करेंगे और इन सब बातों से आपको आगाह करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और हमारे हौसला अफजाई करें। देखिए, हम आपके लिए रात की तरीकी में ठंड में कितना सफ़र तय करते हैं, सिर्फ आपको हकीकत से आगाह करने के लिए। तो आपका भी हक बनता है कि हमारे साथ तआवुन करें और हमारी हौसला अफजाई करें। तो हम चलते हैं अब प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ। मैं बुलाऊँगा प्रोफेसर उस्ताद मोहम्मद यूसुफ अली साहब को, जो कि किसी तारीफ के मुताज नहीं है, और हमारी पूरी टीम देखिए कि पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ आपकी खुशी के लिए, आपकी नॉलेज के लिए दिन रात काम कर रही है। तो मैं बुलाता हूँ उस्ताद प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर। ये आप ज़रा नाज़रीन को बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या मामलात हैं और उनको प्लीज़ आगाह कीजिएगा। चलो ठीक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज हम ये फाटक जो अपना लैन देख रहे हैं आप, और जहाँ पे बहुत हादसे वगैरह होते हैं, साथ ये जंगल है जो उनकी तरफ जा रहे हैं हम, और आपको आगाह करते जाएंगे। और इंशाल्लाह यहाँ पे आपको पता है आजकल जो लोग खुदकुशी करते हैं और लैनों में करते हैं, तो वहाँ पे उनका दिमाग बिल्कुल अपने कंट्रोल में नहीं होता, और जहाँ पे जो कोई साया वगैरह होता है ना, तो वो चीज़ें बहुत ऐसे हादसे करवाती हैं, जो गंदगी की चीज़ें होती हैं, जो काले नम के इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं, जो बदरुएँ होती हैं, जो वो ख़तरनाक होती हैं, उनका ये तरीका तो और होता है। और जो बंदे जहाँ पे आकर अपने कोई परेशानी की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं, और जहाँ पर चीज़ें क्या करती हैं, अब इनसे देखते हैं यहाँ पर जो जंगल वसैल बना हुआ है, ये काम देखते हैं, इसका रास्ता देखते हैं। ये देख रहे हैं आप इसकी आगे, ये इसकी पोजीशन देख रहे हैं आप, ये देखें बिल्कुल जंगल है, और जहाँ पे देख रहा हूँ कोई चीज़ नज़र आती है, तो फिर इंशाल्लाह उसको बुलाते हैं, जहाँ पे क्या क्या मसला मसायल होता है फिर वो बताते हैं आपको। ये कसूर जो कुड़ियाँ वाला बता रहे हैं, वहाँ पर हम आए हैं, बकाया इंशाल्लाह करते हैं। ये देखें आप इनकी कुछ चीज़ें देखते हैं, जो बैठी हैं क्या करती हैं क्या नहीं, अब इनकी पोजीशन देखते हैं हम, फिर इंशाल्लाह बातचीत करते हैं। ये देखें जिनका पोजीशन वगैरह, हाँ
ये आपको पता है चीज़ें जो होती हैं ना, ये छुप कर भी बैठती हैं, बाई टाइम ऐसी चीज़ें होती हैं जो ख़तरनाक होती हैं, काले इलम की चीज़ें होती हैं, और जो लोग काले इलम के जरिए चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वो उनको बुलाते हैं, तो वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो छुप कर बैठती हैं। उनका ये देखते हैं ये दरख्तों में कहाँ पर बैठी होती हैं, और वो आपको पता है आजकल जो बंदा खुदकुशी करता है उसके भी रूहें वगैरह यहाँ पर ये रहती हैं, क्यों हादसा हो जाता है, ये खून भी पीती हैं चीज़ें, ये जो गलत चीज़ें होती हैं ये खून वगैरह भी पीती हैं। ये हर चीज़ देख रहे हैं, बाकी ये टाइम भी काफ़ी हो चुका है, बाकी ऐसी चीज़ कहाँ पे छुपी है। ये आपको पता है ये रास्ता, ये चीज़ें जो होती नहीं, ये नाज़रीन बहुत ही चलाक शियार होती हैं, ये छुप कर बैठती हैं, ये कभी मक्खी वगैरह भी बनकर बैठ जाती हैं, कुछ छोटा जानवर वगैरह भी बनकर बैठ जाते हैं, जो ये हर रूप इख्तियार कर लेते हैं। नाज़रीन ये चीज़ ऐसी ख़तरनाक होती है, ये हर रूप इख्तियार कर लेती है, कोई मक्खी वगैरह बन जाती है चीज़ें, और कुछ जानवर वगैरह बनकर नहीं ये छुप जाती हैं, क्यों बंदे को किसी को पता महसूस नहीं होता, वो कहता है यार ये जानवर है, ये मक्खी वगैरह है या कीड़ा वगैरह है, तो वो चीज़ छुप कर बैठती है। तो इसलिए ये चीज़ों को बड़ी गौर से देखना पड़ता है, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना ख़तरनाक, ये बहुत ख़तरनाक होती हैं, जो ये हादसा वगैरह भी करती हैं। हाँ बिल्कुल, ये हादसा वगैरह भी करती हैं, ये बहुत ख़तरनाक होती है। ये देखें अब ये कीड़े मकोड़े भी निकल नहीं, ये चीज़ें नहीं हैं लेकिन बहुत ख़तरनाक है, अगर ये किसी को लड़ जाए ना तो बिल्कुल ख़ारिश वगैरह इतनी पड़ जाती, वो डॉक्टरों से इलाज भी नहीं होता, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। बाकी नाज़रीन अब ये देखते हैं, इसकी पोजीशन वगैरह करते हैं, हाँ नाज़रीन ये सामने चीज़ खड़ी है, करता है मैं बात, इनसे चीज़ बात करता हूँ। अब ये देखें, हाँ नाज़रीन ये एक जिन है, जो शैतानी ताकत का जिन है, और बहुत ही ख़तरनाक जिन है, इतना ख़तरनाक जिन है, ये बहुत ही शैतानी ताकतवर जिन है, और अब ये खड़ा हुआ है और ये देख रहा है, नहीं तुहानू कुछ भी नहीं कहते, ये पता गल मेरी गल सुनो, एक गल सुन यार इधर। आया अच्छा, नाज़रीन अब ये जो जिन वगैरह है यहाँ पे शैतानी जिन है, लेकिन शैतानी ताकत में है, अब यहाँ पे वो खड़ा हुआ है, लेकिन अभी बहुत परेशान होकर बैठा हुआ है, ये बंदे आए हैं ये क्या देखने के लिए है क्या नहीं है, क्यों अल्लाह ताला ने मुझे, अल्लाह ताला ने पाक कलाम से मुझे एक ताकत दी हुई है, जो वो तीसरी आंख से जरिए उनको देखता हूँ, मैं देखकर ये बात करता हूँ। बाई टाइम ये लोग आप सोचते होंगे यार ये बंदा खुद बातें करता है, चीज़ों से बातें करता है, हमें तो नज़र आती नहीं है। तो आपको पता है ये जो होती नहीं कैमरे के आगे, कोई भी बंदा कैमरे के आगे चीज़ को शो नहीं कर सकता, कितना मर्जी वो कोशिश कर ले कभी वो सामने नहीं आएगी,
कैमरे के आगे। तो नाज़रीन मैं आपको सिर्फ इसके वहाँ पे रीज़न बताता हूँ, यहाँ पे चीज़ें रहती हैं उनके रहन सहन बताऊँगा और उनका क्या मसला मसायल होता है और क्या नहीं होता, तो वो आपको चीज़ें इंशाल्लाह आपको आगाज़ करता जाऊँगा मैं। तो अब नाज़रीन इनसे वो बात करता हूँ मैं, फिर आपको बात बताता हूँ इसके साथ साथ क्या बातें होती हैं, यहाँ पर क्या क्या मसला मसायल होते हैं वो इंशाल्लाह ये बातें बताएँगे। अच्छा नहीं मैं ये चीज़ दसो इतने थोड़ी कदों के रिहाश है इतने। अच्छा जी इतने पहले अपना फसल वगैरह तो बाग वगैरह होंगे सी और पारी भी सी। तो थोड़ा काफ़ी कबीला है गया। अच्छा तो इतने कबीले की करते गए। नाज़रीन अब ये बता रहा है कहता है जहाँ पे ये बिल्कुल बाग वगैरह था और जहाँ पे पहाड़ी थी और जो पहाड़ी थी वो अब सालों में ये इसको ख़त्म किया गया है, बहुत पुरानी थी और ये बाग था और जहाँ पे वो बता रहे हैं हमारी रियासती हमारी फैमिली रहती है, हमारा तकरीबन तकरीबन जो घर है वो 200 हमारा वहाँ पे घर है, वो अभी आएंगे आपसे बात करेंगे, अगर कहते हैं तो मैं उनको बुलाता हूँ, ये बात मुझसे कह रहा है। अब उसको मैं ये कहता हूँ चलो ठीक है आप ये बुलाएँ उनको लेकर आएँ, फिर मैं बातचीत करूँगा, फिर आपको ये चीज़ें बताता जाऊँगा मैं इंशाल्लाह। चलो ठीक है जाए आप तो सू जाओ तो मैं इतने खड़ा गया तो सू लेते आओ। बाई टाइम नाजरीन ये चीज़ें बाई टाइम बहुत ख़तरनाक भी होती हैं तो फ्राडी भी होती हैं, झूठ बहुत बोलती हैं। अब इसका ये नहीं पता ये बंदा गया हुआ है, अब ये क्या करेगा, ये साथियों को लेकर आएगा, ये हमारे पर क्या मसला सैर करेगा, ये क्या कहता है, फिर इंशाल्लाह आपको ये चीज़ का आगाज़ करते जाएंगे। यहाँ पे इस वक्त ये अकेला ही मौजूद था, बाकी इसके साथ ही यहाँ पे कोई भी नहीं है। हाँ ये अभी केला है, केला खराब हुआ था। अच्छा तो ये किस उम्र में है ये अभी समझ जाएंगे। अच्छा अभी ये यंग लड़का है, ठीक हो गया। तो इसने भी ये नहीं बताया कि कितने लोग हैं इसकी फैमिली में? उसने बता रहे तकरीबन तब यहाँ बता रहा है वो घर हमारे 100-200 करीब के करीब हैं। 200 घर है उनके करीब, ठीक है। हाँ इनका जो 200 घर होता है ना इनका 150-200 ये नाज़रीन आपको बताया था वो अपनी फैमिली को साथ जो है जहाँ पे रहते हैं उनको लेने गए थे, वो अब आ गए और वो आ रहे हैं और अब इनसे बात कर कर आपको सारी इसकी पोजीशन बताते हैं, यहाँ पे कहाँ इनकी क्या रिहाइश होती है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। और साथ आपने देखा है ये रेलगाड़ी वगैरह जो पटरी वगैरह है वहाँ पर इनको बताते हैं ये क्या क्या सिलसिला बताते हैं, फिर इसके इंशाल्लाह आपको बताते जाएंगे हम। जी अच्छा नहीं मेरी गल सुनो तेन, देखो पंगा नहीं लेना है या गलत गल हैगी है, थोड़े बंदे में तंग नहीं किया है या झूठ बोलता है, तेनों अल्लाह तवक्को होनी चाहिए थी तुम्हें, मैं कोई पंगा लैन की नहीं की कोई इन्होंने मैं कुछ किया है, गलत गल हैगी फिर थोड़ी, मैं तेन तो मैं कह रहा गलत गल हैगी है, फिर वही गल हैगी नहीं है बंदे को पहले पूछो उन्हू इन्ना कहो तो अल्लाह तला धोखा तू है बोल मैं तेन की गल कही सी यार तू अपने मैंने कहना यार मैं अपनी फैमिली लैते आना मैं अपने सब लैते आना तुडे को, ठीक है नहीं मैंने यह गल कह दे गया हूँ तुम्हें यह झूठ बोलते कहता पाया जी है देखो जी मैं तंग कर रहा है मैं मैं फड़े आया मैं अपना
ਕਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਉਹਨੇ ਸੜਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ ਫੁੱਲ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਹਿ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਸਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਲੈਨ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਖੂਨ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਂ ਪਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵਿਸਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਅਰਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਟੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਨ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਸੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਰਫ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਉਹ ਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਰਫ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਮਸਲਾ ਵਿਸਾਇਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਮਸਲਾ ਵਿਸਾਇਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਘਰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਐਸੇ ਹਾਸਾ ਕਰ ਲੈਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲਤ ਜੋ ਬੰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾ ਉਸਕਾ ਅਜ਼ਾਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਐਸੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸਕੋ ਕਰਵਾਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਗਾ ਜਬ ਤੱਕ ਕਿਆਮਤ ਕੀ ਜਬ ਤੱਕ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹ ਚਲਤਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੇ ਵਗੈਰਾ ਖੂਨ ਪੀਤੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਫ ਵਗੈਰਾ ਕਾ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਇਹ ਖੂਨ ਵਗੈਰਾ ਪੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕਹਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਹੋਤੀ ਹੈ ਹਮ ਖੂਨ ਪੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸੇ ਖੂਨ ਪੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਦੀਓਂ ਕੇ ਜਹਾਂ ਪੇ ਰਹਿਣੇ ਕਿ ਇਨਕੀ ਸਮੇਂ ਲੈ ਕੋਈ ਦੋ ਸਦੀ ਕਿ ਜਹਾਂ ਪੇ ਉਨਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਇਨਕੀ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਆਪ ਸਰ ਇਨਸੇ ਪੁੱਛੀਏਗਾ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਕਭੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਧੱਕਾ ਦਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਝੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਜੋ ਲੋਕ ਆਤੇ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਸਹੀ ਦੇਖ ਕਰ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਹੋਤੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋਤੇ ਹੈ ਉਹ ਆਕਰ ਖੂਨ ਪੀਤੇ ਹੈ ਇਨਕਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਕਿਸੀ ਕੋ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਤੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਜਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਹੱਥ ਪੇ ਹੈ ਕਹਤੇ ਹਮਾਰੇ ਹੱਥ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਵੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਉਨਕੋ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹਮੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹਮੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੋਂ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਇਨਕੋ ਤੰਗ ਕਰੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨੋਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਇਨਕੋ ਹਮ ਤੰਗ ਕਰੇ ਔਰ ਵੋ ਹਮਕੋ ਤੰਗ ਕਰੇ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਸਭ ਪੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਕਿਸੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਕੋ ਯੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਯੇ ਇੱਕ ਹਰਾਮ ਮੌਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਸਾਥ ਯੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਸਭ ਕੋ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ ਮੇ ਰੱਖੇ ਆਮੀਨ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਸਭ ਪੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ ਜੀ ਸਤਾਜਿਬ ਭਾਈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਬ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਾ ਕਾਫੀ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇ ਉਨਕਾ ਸਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਅਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਹਮਾਰਾ ਕਾਮ ਹੈ ਹਮ ਜਾਂ ਪੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹਾਸਾ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋ ਹਮ ਇਹ ਖੂਨ ਪੀਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਕਾ ਖੂਨ ਪੀਤੀ ਹੈ ਅਬ ਇਹ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਜਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਗਏ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਜ ਆਪਕਾ ਭਾਈ ਆਪਕੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕਾਮ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਉਸਕੀ ਡੈਕੋਮੈਂਟਰੀ ਬਤਾਊਂਗਾ ਜਹਾਂ ਪੇ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਤਾਊਂਗਾ ਔਰ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਸੱਚ ਕੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮੈਂ ਬਤਾਊਂਗਾ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਉਸਮੇ ਜ਼ਰਾ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇਹ ਬਤਾਤਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕਾਮ ਮਕਸਦ ਹੈ ਦੌਰੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕਿਸਕੋ ਕਿਸਕੋ ਦੌਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪੜਤਾ ਹੈ
किसको दौरा वगैरह पड़ता है उसका मैं चीन निकालता हूँ और 2-3.5 घंटे के अंदर उसको निकाल कर उसकी निशानी ली जाती है। और जो मरीज़ को जो कोई मसला वसायल होता है तो इलम के ज़रिए तो उसको तंदुरुस्त कर कर वो भी इसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह आपके सामने अदा करूँगा और बहन भाइयों को दिखाऊँगा। तो नाज़रीन ये चीज़ है नाज़रीन, अब आपको ये चीज़ बताता जाऊँगा बकाया। नाज़रीन आप ये अपने भाई को याद रखना, हमारा जो हकीक टीवी है आपने इंशाल्लाह ये हमारी वीडियो देखनी है और लाइक भी करनी है, सब्सक्राइब भी करना है और इंशाल्लाह जो अगली हमारी जो वीडियो आएगी तो इंशाल्लाह आपको नई वीडियो पे ये आपका भाई आएगा तो फिर आपको ये दिखाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।